23 फरवरी को हरियाणा का बजट पेश होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री अपना आखिरी बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि बजट सत्र दो चरणों में पेश किया जाएगा। पहले चरण की शुरुआत 20 फरवरी से होगी। पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद दो दिन उस पर चर्चा की जाएगी। फिर 23 फरवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। अब क्योंकि सरकार का ये आखिरी बजट है और अगले साल 2024 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा जनता को और भी ज्यादा उम्मीदें हैं। देखने वाली बात यह होगी कि ये बजट चुनावों को आधार बनाकर पेश होगा या फिर प्रदेश के विकास को देखते हुए ये आधारित होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का तो यही कहना है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने अपने बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा है, ठीक उसी तरह से प्रदेश के बजट में भी सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये तीसरा बजट पेश करेंगे। इस बार बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पर पहुंचने की संभावना है। जिन विभागों ने अपना पूरा बजट अभी खर्च नहीं किया है, उन्हें वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बजट का सही और त्वरित इस्तेमाल करने के निर्देश देंगे। दरअसल कोरोना काल में सभी विभागों के वित्त अनुमान फेल हो गए थे। उदाहरण के लिए आरंभ में जो प्रोजेक्ट 100 करोड़ रुपए का प्रस्तावित था, उस पर 125 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। लिहाजा विधानसभा के मॉनसून सत्र में अनुपूरक मांगों के तहत काफी मोटी राशि मंजूर की गई है। कुछ विभाग ऐसे भी हैं जिनका खर्च अभी लंबित पड़ा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट तैयार करने के लिए सभी विभागों के मुखिया, सांसदों, मंत्रियों और विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं। कृषि, उद्योग, कर्मचारी, किसान और आम लोगों से भी उनकी राय जानने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।